नादरा के पास आपका डेटा अमानत है, जिसके तहफुज के लिए अब नादरा लेकर आया एक जदीद और महफूज सर्विस, इजाजत आपकी। इस सर्विस के तहत कोई भी गैर मुतालिका शख्स या इदारा आपकी जाती या खानदानी डेटा तक आपकी इजाजत के बगैर रसाई हासिल नहीं कर सकता। डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए आपकी इजाजत लाजमी होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा एक पास कोड। मुतालिका शख्स या इदारे को आप मोबाइल पर मौसूल होने वाला कोड बताएंगे, तभी आपके डेटा तक रसाई मुमकिन होगी। इसी तरह नादरा बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, मालियाती इदारों या किसी भी इदारे को आपकी मर्जी और इजाजत के बगैर आपके डेटा तक रसाई नहीं मिलेगी। हर कदम हिफाजत और इजाजत के साथ। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो पहले क्या था कि जितने भी इदारे थे जिनको नादरा की एक्सेस थी, जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अपने आप के तौर पे किसी भी इंसान का डाटा निकलवा सकते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी इंसान को अगर आपके डाटा की वेरिफिकेशन चाहिए होगी तो आपके नंबर पे पहले एक OTP कोड जाएगा, और वो कोड अगर आप उसको बताएंगे तो ही आप वो बंदा जो आपकी मालूमात को जो है वो देख सकेगा। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं होने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है नादरा की जानिब से। नादरा ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया है कि वो आप जो है वो जिद्दत की तरफ जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और ये आगाज़ है, और आने वाले दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो नादरा ने फिंगरप्रिंट्स का जो एक तरीकाकार बताया था कि मोबाइल से ही आप अपने फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, जो कि दुनिया में शायद पहला एक ऐसा इदारा था जो कि ऐसा कर रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें वो इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।